तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपको हमारे तालीम प्रेसनिक शो यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, रात्रि के लगभग डेढ़ बज चुके हैं और डेढ़ से दो। तो दोस्तों, मधुबन ग्राम में आए हुए हैं जहां पर कोई सांप छुपा हुआ है। तो दोस्तों, ये लोग बता रहे हैं कि कोबरा सांप है, लेकिन रिसर्च करने के बाद पता चलेगा कौन सा सांप है। तो थोड़ा बता दीजिए कि आपका नाम क्या है। मोहम्मद असलम जी। मोहम्मद असलम जी के घर में जो सांप है निकला हुआ है। तो चलिए, आनंद फानन में आए हैं इसलिए स्टिक तो नहीं है, एक छोटा सा डंड है, इसी का ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए। अलग साहब, लो साइड में अलग दो तीन होता आगे बढ़िए नीचे हो तो सामने जाए ना। ना नीचे पलंग के तरवा में कहाँ दिखाई दे? तो दोस्तों, देख सकते हैं स्पेक्टिकल कोबरा है जिसको हिंदी में नाग बोलते हैं। तो दोस्तों, रात्रि के समय इसलिए निकलता है कि चूहा अक्सर रात को ही भ्रमण करता है घर में। तो चूहा को खाने के लिए जो सांप है आ जाया करता है। तो चलिए, विजोत हो गया, हम इसको वहीं पर रख दिए। नहीं कीजिएगा। हाँ, वो आराम से देखिए। बहुत दिखी थी कि भाला इधर से रोड पे निकालिए ना, इधर सीधे चलिए, सीधे ना बतिया लेके आवा ना मर तू पीछे बढ़ चलो। हाँ, इसी जगह बना लीजिए, वीडियो जो बनाना है आप इसी जगह बना लीजिए। तो उनका चेहरा ले वीडियो बना ले। हम खुश गए तो बस मिलब न कर। सांप को जो है मारे नहीं है और हमें बुलाए हैं रेस्क्यू के लिए। तो दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि गांव के लोग भी जागरूक हो रहे हैं सांप के प्रति। तो दोस्तों, मोहम्मद न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर होता है। एक बोरा या कुछ भी दीजिए तो सीमेंट वाला बोरा ले आओ। कृपया कर आप लोग हॉस्पिटल में जाए, जिला हॉस्पिटल में जाए जहाँ पर एंटीजनम उपलब्ध रहता है। क्योंकि दोस्तों, इसे काटने के बाद मुश्किल से एक से दो घंटे का। और दोस्तों, देख सकते हैं इसका फुंकार को भी देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अक्सर जो सांप है रात को ज़्यादा एक्टिव रहता है क्योंकि इसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। दिन में केवल व्हाइट दिखाई देगा, रात को ब्लैक दिखाई देता है। इसलिए सांप जो है ज़्यादा अग्रेसिव रूप को धारण रात को ही करता है। और दोस्तों, अक्सर रात को बच के ही रहना चाहिए। बदलते मौसम के कारण सांप जो है अब अक्सर घर में दिखाई दिया करेगा। तो इसलिए सांप से जो है बच कर ही
रहना चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं, और दोस्तों सांप जो है कभी किसी को बाइट करना नहीं चाहता है, ये अपने बचाव के लिए ही बाइट करता है। जब इसको डर लगेगा तभी बाइट करेगा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी के जहर से एंटी वेनम बनता है दवा, जो कि और दोस्तों इसका एज लगभग 15 से 16 साल का है। और नागमणि, इच्छाधारी नाग, ये सब अंधविश्वास वाला बात है, क्योंकि किसी भी सांप के पास मणि नहीं होता है। और दोस्तों इसमें नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है, जिसे कहां से यह सोच नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है। बढ़िया, तो दीवार थी दादी, ढक्कन ढक्कन में क्या कर ले। छेदा कर दी थी ना, छेदा कर ला कुछ आई। तो दोस्तों सांप को जो है फाइनली रेस्क्यू कर लिया गया है। ये डब्बा में जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद जो है सांप को रेस्क्यू कर लिया गया है, और इसे कल सुबह में ले जाकर के जंगल में छोड़ देंगे। तो थैंक यू। अगर आप लोगों ने तालीमपुर स्नैक्स और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर जाकर तालीमपुर लिखिएगा, आ जाएगा हमारा चैनल। तालीमपुर स्नैक्स और यूट्यूब चैनल का नाम है। थैंक यू। कट कर दे।